हेलो व्यूअर्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ड्रामा पढ़ेंगे। ड्रामा का नाम है मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इसका जो परफॉर्मेंस है, फर्स्ट टाइम हुआ था 1606 में। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ड्रामा को पढ़ेंगे और इसकी समरी जानेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है डंकन। डंकन जो है स्कॉटलैंड के राजा हैं। ये जो स्टोरी है स्कॉटलैंड पे बेस्ड है। फिर है मालकन। मालकन डंकन का बड़ा बेटा है। फिर है डोनाल्बेन। डोनाल्बेन डंकन का छोटा बेटा है। फिर है मैकबेथ। मैकबेथ इस कहानी का हीरो है, विलेन है, सब कुछ है। वो इस डंकन की आर्मी में एक जनरल है, एक सेनाध्यक्ष है वो। और वो थेन ऑफ ग्लैमिस है। ग्लैमिस एक राज्य है, एक जगह है जिसका वो थेन है। थेन मीन्स होता है एक सब रूलर, किंग के अंडर में जो काम करता है, जैसे नवाब सरदार कह सकते हैं हम लोग। फिर बाद में वो थेन ऑफ कॉर्डर बनता है। कॉर्डर भी एक जगह है। फिर उसके बाद आखिरी में वो बनता है स्कॉटलैंड का राजा। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है लेडी मैकबेथ। मैकबेथ की वाइफ है और बाद में क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनती है। फिर है बैंको। बैंको मैकबेथ का फ्रेंड है और जनरल है, आर्मी आर्मी में जनरल है किंग डंकन के। फिर है फ्लियांस। फ्लियांस जो है बैंको का बेटा है। फिर है मैकडफ। मैकडफ थेन ऑफ फाइफी है, एक फाइफ करके जगह है, प्लेस है, उसका वो सरदार है, नवाब है। फिर है लेडी मैकडेफ, उसकी वाइफ। लेडी मैकडेफ के बाद है मैकडेफ का सन। फिर है हैकेट। हैकेट कौन है? वो क्वीन ऑफ विचेस है। इस स्टोरी में तीन विचेस है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी वो रानी है हैकेट। और बाकी फिर माइनर कैरेक्टर्स हैं, रॉस, लेनॉक्स, ऑगस, ये सब है माइनर कैरेक्टर्स। तो हम इस स्टोरी को आगे बढ़ते हैं और प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, स्कॉटलैंड नाम का एक देश था। उस देश में एक बहुत ही ज़्यादा सज्जन, बहुत ही जेंटलमैन राजा राज करता था। राजा का नाम था डंकन। डंकन इतना ज़्यादा धर्मात्मा था, काइंड था, कि उसकी सारी प्रजा उसको फादर के समान समझती थी। उसको ले जान देने के लिए भी तैयार रहती थी। एकदम न्यौछावर थी जो प्रजा थी उनकी। और उसका एक रिलेटिव था, दूर का रिलेटिव था, उसका नाम था मैकबेथ। मैकबेथ है उसकी सेना में सेनापति था। और उसने, वो जो डंकन था उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। उसने उसे थेन ऑफ ग्लैमिस बना के रखा था। ग्लैमिस एक उसका राज्य था, उस राज्य को उसने सौंप दिया था मैकबेथ को। अब जिस समय का हम स्टोरी सुना रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि स्कॉटलैंड के एक थोड़े से लोगों ने कुछ विद्रोह कर दिया, रिबेलियन कर दिया। और इस रिबेलियन को सपोर्ट किया पास के देश के एक राजा, नॉर्वे देश के राजा ने। तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना भेज दी ताकि विद्रोह को भड़काया जा सके और स्कॉटलैंड पे कब्जा किया जा सके। तो इस मुश्किल की घड़ी में मैकबेथ को विद्रोहियों से निपटने के लिए भेजा गया किंग के द्वारा। और उसके साथ एक और सैनिक भी गया था, बैंको करके। बैंको भी एक तरह से सेनाध्यक्ष था। तो उन लोग गए थे, बाकी की पूरी आर्मी लेके गए थे। और मैकबेथ और बैंको की आर्मी छोटी थी और नॉर्वे की सेना और ये सब बहुत ही बड़ी थी। तब भी से मैकबेथ और बैंको ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन लोगों को हरा दिया, रिबेलियन को हरा दिया, रिबेलियन को परास्त कर दिया। और इस तरह से उनकी जीत हो गई। और जब जीतने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको क्या देखते हैं कि तीन अजनबियों ने उनको रोकते हैं। तीन अजनबी रहती हैं वो, तो कभी तो वो औरतों के समान दिखती थी, वुमेन की जैसे दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे में दाढ़ी भी थी। फिर उनकी जो स्किन थी एकदम ड्राइड थी, सूखी चमड़ी थी, वो जंगली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं है बल्कि सीधा कब्र फाड़ करके कोई मुर्दे आ गए, ऐसा लग रहा था एकदम। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था। उनके जो कपड़े थे ब्लैक कलर के कपड़े थे, जैसे कि हड्डी के ढांचे में ब्लैक कलर का कपड़ा टांग दिया गया, वैसे लग रहा था। बहुत ही भयानक दृश्य था। उनको देख के बैंको और मैकबेथ खूब डर जाते हैं, लेकिन मैकबेथ हिम्मत करके उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है। तभी उन लोग अपने होठों में उंगली रख लेते हैं और उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर उसमें से जो पहली विच रहती है, पहली जो चुड़ैल रहती है, वो मैकबेथ को कहती है थे ना ग्लैमिस करके, वो उसको संबोधित करती है। फिर उसके बाद ये मैकबेथ बोलता है, अरे ये लोग मुझे कैसे जानती है, मैं तो इनको नहीं जानता, ये मुझे कैसे जान रही है कि मैं थे ना ग्लैमिस हूँ, सोचता है मन में। फिर अगली जो चुड़ैल रहती है वो कहती है आइए थे ना ऑफ कॉर्डर कहती है। जब वो सुनता है मैकबेथ, तो सोचता है अरे मैं तो कॉर्डर का तो राजा नहीं हूँ, मैं कॉर्डर का तो नवाब नहीं हूँ, तो ये मुझे ऐसा कैसे कह रही है, सोचता है। फिर जो तीसरी चुड़ैल कहती है कि तुम भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, ऐसा कहती है वो।
तो ये सब उन लोग एक तरह से प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। इस भविष्यवाणी को सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है मैकबेथ, और वो सोचता है कि अभी हमारा जो किंग है वो डंकन है, वो अभी ज़िंदा है, उसके जो दो बेटे हैं वो भी ज़िंदा हैं, मालकन और डोनाल्ड बिन करके बेटे रहते हैं डंकन के, वो भी ज़िंदा हैं, तो उनके रहते मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, ऐसे मन में वो सोचता है। उसके बाद वो चुड़ैले ना बैंकों की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम मैकबेथ से छोटे रहोगे पर तुम भी एक दिन बड़े आदमी बनोगे, कहते हैं उन लोग, और कहते हैं तुम्हारा तो कभी राज्य तो नहीं होगा लेकिन तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम्हारे जो बेटे हैं, उन लोग स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। अब इसके बाद वो हवा में गायब हो जाती हैं एकदम से, मतलब नज़र नहीं आती। अब इनको लगने लगता है ये कौन है, ये तो इंसान तो हो नहीं सकती, चुड़ैले होंगी, विच होंगी, ऐसा सोचते हैं इन लोग। फिर उन लोग आगे बढ़ते हैं, इस घटना के बारे में सोचते रहते हैं, उधेड़बुन में उलझे रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तभी एक गुड न्यूज़ मिलता है मैकबेथ को, एक राजा का दूत आता है, और राजा का दूत आके कहता है कि आपको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। अब बैंको कहता है आश्चर्य के साथ, कहता है अरे अभी अभी तो चुड़ैलों ने ये बात कही है, मतलब उनकी जो प्रोफेसी है सच हो गई। फिर मैकबेथ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो जो कॉर्डर का राजा है वो जिंदा है, कॉर्डर का जो नवाब है जिंदा है, तो मैं कैसे कॉर्डर बन सकता हूँ। तो वो जो राजा के जो एजेंट्स रहते हैं उन लोग कहते हैं कि हुआ ये है, बोलते हैं कि जो राजा डंकन ने ये विद्रोह को कुचलने के लिए जो आप लोगों को भेजा था, आपने विद्रोह को कुचल दिया है। तब उनको पता चला कि ये जो थेन ऑफ कॉर्डर था वो विद्रोहियों के साथ था, उनके साथ गद्दारी कर रहा था, तो राजा ने उनको मृत्युदंड दे दिया है और उनका जो पदवी था उसको आपको दे दिया है, इसलिए अब आप थेन ऑफ कॉर्डर बन गए हैं, तो इस पदवी को स्वीकार करिए, कहता है, और राजा का लेटर भी देता है मैकबेथ को। तो मैकबेथ इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उनको वो थैंक यू भी नहीं बोल पाता, फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर ये दोनों सोचने लगते हैं बैंको और मैकबेथ, ये कैसे सच हो सकता है, चुड़ैल की जो प्रोफेसी है कैसे सच हो सकती है, ऐसा उन लोग सोचने लगते हैं। फिर मैकबेथ के दिल में ये जो बात थी कि चुड़ैल की जो तीसरी बात थी कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, काश ये सच हो जाए, सोचता है वो। चुड़ैलों का जो मिलना था एक प्रकार से बुराई का बीज बुना था मैकबेथ के मन में। मैकबेथ पहले से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ना चाहता था और हर कीमत में आगे बढ़ना चाहता था। तो जो बुरी बातें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ज़्यादा आकर्षित करती थी, उसका मन एकदम चंचल हो जाता है, उसको लगता है कि, लेकिन वो ये भी सोचता है कि वो तो बहुत ही बड़ा देशभक्त है, वो राजा का बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसका विश्वास पात्र है, वो कैसे ऐसा कर सकता है, ऐसे सोचता है वो। फिर सोचता है कि काश ये जो उसका भविष्य में जो होने वाला है आज वर्तमान हो जाए, मतलब उसका जो फ्यूचर है वो आज प्रेजेंट हो जाए, ऐसा सोचता है वो। काश मेरी जो संतानें हैं वो भी स्कॉटलैंड पे राज्य करें, ऐसा सोचता है। फिर वो बैंकों से पूछता है, क्या कहते हो बैंकों, तुमको लगता है कि तुम्हारे जो बेटे हैं स्कॉटलैंड पे राज्य करेंगे? तो बैंको कहता है, मैकबेथ तुम ज़्यादा मत सोचो, कहता है, इनकी बातों पे ज़्यादा सीरियसली मत लो, ये बुराई की प्रतीक हैं, बुराई की दुनिया से आई हैं, ये दो चार सच कह देती हैं लेकिन इनकी बातों पे मत आओ, ये तुमको मिसलीड कर रही हैं, तुमको धोखा दे रही हैं, और इनके लालच में मत फंसो, करके वो वार्न करता है। लेकिन मैकबेथ तो बहुत ज़्यादा लालची रहता है, एम्बिशियस रहता है, वो कहाँ मानने वाला रहता है, वो नहीं मानता, उसकी नहीं सुनता, वो बोलता है ठीक है ठीक है, बोलता है ऊपर ऊपर में, बोलता है कि ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में चोर घर कर लेता है, और वो सोचने लगता है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, और वो एकदम गंभीर विचारों में डूब जाता है। फिर बैंको और मैकबेथ वहाँ से चले जाते हैं, राजा के दरबार में चले जाते हैं, स्कॉटलैंड चले जाते हैं, और स्कॉटलैंड के जो राजा रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि बहुत ही बड़ा उन लोग रिबेलियन को कुचल के आए रहते हैं, और राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है एकदम, मतलब मैकबेथ के आगे तो वो बिछ जाता है, बोलता है तुमने इतना बड़ा मेरे पर एहसान किया है, पता नहीं कैसे इस एहसान का बदला मैं चुका पाऊंगा, कहता है, उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है, तुमको मेरे पर इतना ज़्यादा एहसान नहीं करना था कि मेरे जो धन्यवाद के पंख हैं वो भी इसको पकड़ ना पाए, ऐसा कहता है, बहुत ज़्यादा लच्छेदार बातों में वो उसको कहता है, गॉड ब्लेस यू कहता है। फिर मैकबेथ कहता है, मैजेस्टी और मैजेस्टी, मैंने जो भी किया है वो सब मेरी ड्यूटी थी, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, और मैंने आपकी सर्विस की है, आपके लिए डिवोशन किया है, यही तो मेरा काम है, कहता है। डंकन कहता है, मैकबेथ तुम्हारी जय हो, गॉड ब्लेस यू कहता है, तुम्हारी उन्नति हो, तुमने बहुत ही बहादुरी से काम किया है, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूँ, कहता है, आओ मेरे गले लग जाओ। फिर बैंको को भी बहुत तारीफ करता है, बैंको को भी गले से लगा लेता है, बैंको भी महाराज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है और कहता है ये हमारी ड्यूटी है। फिर मैकबेथ वहाँ से चल देता है। इसके पहले, मैकबेथ के जाने के पहले,
राजा डंकन कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आज की रात तुम्हारे घर आऊँ और तुम्हारे यहाँ डिनर लूँ और तुम लोगों से मिलूँ, तुम्हारी वाइफ से मिलूँ, ऐसा कहता है। तो मैकबेथ कहता है ठीक है, बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, कहता है कि आपके पैरों की धूल मेरी जगह को पवित्र करने आएगी, मैं आपका स्वागत करूँगा, कहता है। मुझे अलाउ करिए कि मैं अपने वाइफ को ये सारा न्यूज़ बता सकूँ और वो आपके वेलकम के अच्छे से वो अरेंजमेंट कर सके, इसलिए मुझे अलाउ करिए, कहता है, जाने दीजिए। तो राजा डंकन कहते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर मैकबेथ वहाँ से चला जाता है और ये जो सारा घटनाक्रम रहता है, सारी जो सिचुएशन रहती है, जो विचेस ने जो कही रहती है, जो राजा ने बात कही रहती है, सारी चीज़ों को वो अपने वाइफ को बताता है और ये सारा लेटर लिख के बताता है। इसके पहले एक और बात हुई थी, वो ये कि उस दरबार में राजा ने ये ऐलान किया था कि उसका उत्तराधिकारी उसने घोषित किया था, उसने कहा था कि जो मेरा बड़ा बेटा है मालकन, वो मेरा उत्तराधिकारी होगा और उसको उसने प्रिंस बना दिया था। इसका मतलब मेरे बाद अगर कोई राजा बनेगा तो वह है मालकन। जब इस बात को मैकबेथ सुनता है तो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, उसे लगता है कि वो तो राजा का रिलेटिव है, उसने इतना बहादुरी से काम किया लेकिन राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इस तरह से वो सोचता है और उसके मन में राजा के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। फिर ये सारी बातों को वो अपनी वाइफ को बताता है। उसके बाद लेडी मैकबेथ का सीन आता है। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की वाइफ है, वो अकेली बैठी हुई है और अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ रही है। बार बार कहती है कि अब तक आप थे ना, आप ग्लैमिस थे, अब थे ना, आप कॉडर हो गए हैं और जो बाकी की जो प्रोफेसी है एक ना एक दिन ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है आपका जो नेचर है उससे मुझे डर लगता है, कहती है, क्योंकि आप बहुत ही काइंड हो और आप बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन हो, आपके अंदर कुछ आगे बढ़ने की तो इच्छा तो है, आप एम्बिशियस तो हो, लेकिन आप किसी भी मतलब एम्बिशन को पूरा करने के लिए अधर्म का रास्ता नहीं चुनोगे, मैं जानती हूँ, तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं आपके अंदर सारा अपना इंथुजियाज्म जितना मुझे हो रहा है आपके अंदर भर दूंगी। तो लेडी मैकबेथ को जितना ज़्यादा खुशी थी कि एक दिन वो साम्राज्ञी बनेगी, उतना ज़्यादा तो मैकबेथ भी नहीं सोचा था कि वो कैसा सम्राट बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, एम्बिशियस थी और उसे ये लग रहा था कि एक दिन वो रानी बनेगी, और जिस भीषण काम के लिए, जिस कठोर काम यानी मर्डर के लिए जो जो महिलाएं नेचुरली राजी नहीं होती हैं और करना नहीं चाहती, उस काम को करने के लिए उसको ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मैकबेथ के राजा बनने के लिए अगर डंकन का मर्डर भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे, ऐसा सोचती है वो। फिर उसको खबर मिलती है कि डंकन मेहमान बन करके आने वाला है, तब उससे और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है राजा हमारे घर आ रहे हैं या हम लोग आ रहे हैं, ऐसा वो कहती है। फिर वो अपने हार्ट को कहती है, अपने बोलती है दिल, जो विमेन जाति की जो कोमलता है उसको मेरे मन से निकाल फेंको और उसके बदले में घोर पाप और एकदम कठोरता हार्डनेस भर दो, और हे नाइट इतना अंधेरा कर दो कि मेरे पाप है छुप सकें, और सूरज से कहती है कि जल्दी से तुम छिप जाओ ताकि मेरे जो छुरे की जो धार है वो डंकन के पेट में आसानी से चले जाए, इस तरह से तरह तरह फ्लावरी लैंग्वेज वो बोलती है। अब एक्चुअल में जो ये जो ड्रामा है उसको शेक्सपियर ने एक हिस्टोरिकल बुक था हॉलिनशेड क्रॉनिकल करके उससे लिया है, लेकिन उसने इस ड्रामा को इस तरह से प्रेजेंट किया है, इस तरह से हिस्ट्री में जान डाल दी है, पोएट्री भर दी है कि बहुत ही ज़्यादा पोएटिक बन चुका है ये। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर में मैकबेथ वहाँ पहुँच जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है, वो कहता है डियर आज हमारे यहाँ डंकर आ रहे हैं। फिर मैकबेथ पूछती है कि वो जा कब रहे हैं, लेडी मैकबेथ पूछती है वो जा कब रहे हैं, तो मैकबेथ बोलते हैं कल अर्ली मॉर्निंग जाने वाले हैं वो। तो लेडी मैकबेथ कहती है लेकिन वो जो मॉर्निंग है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, कभी नहीं आएगा डंकन की लाइफ में, कहता है डियर तुम्हारे चेहरे में जो दिल के भाव बता देते हैं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे जो दिल के भावों को छुपा नहीं पाता, इंसान को तो ऐसा होना चाहिए कि जैसा समय हो वैसे ही काम करना चाहिए और अपने चेहरे के भावों को छिपा के रखना चाहिए, अपनी आवाज़ हाथ को सबको ऐसा रखना चाहिए कि तुमको ऐसा बनो तुम कि अपने ऊपरी तौर पर तो तुम राजा का वेलकम करो, उसके लिए बिछ जाओ, लेकिन अंदर में अपने जो फीलिंग है उसको बचा के रखो और मेहमान का स्वागत करो और बाकी जो रात का काम है, जो मर्डर का काम है, वो मैं खुद करूँगी, बोलती है, और मैं ऐसा काम करूँगी जिससे आने वाले समय में तुमको पूरा सुख सुविधा मिल जाएगी, तुम इस देश के राजा बन जाओगे, कहती है।
अब मैकबेथ का दिल अपनी इस वाइफ की जो कठोरता से बहुत ज़्यादा कांप जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे सोच रही है, इतना घोर का पाप करने से वो कैसे नहीं हिचक रही है, सोचता है वो। फिर डंकन बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और बहुत ही ज़्यादा उदार दिल के राजा रहते हैं। वो जब किसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उसको एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए उसके घर जाते हैं। तो वो जब जाते हैं मैकबेथ के घर जाते हैं तो अपने साथ में अपने दो बेटों को लेके जाते हैं। उनका पहला बेटा, बड़ा बेटा मालकन रहता है, सेकंड बेटा उनका डोनाल्बिन रहता है, उनको भी लेके जाते हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे नोबल, सामंत, थेन, ये सबको लेके जाते हैं वो, और बहुत खुश रहते हैं। मैकबेथ का जो पैलेस था बहुत ही सुंदर था, उसके आसपास के जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत सुंदर था, हवा बहुत शुद्ध थी, और महल के दीवारों में चिड़िया चहचहा रही थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। और ऐसे एटमॉस्फेयर को देख के डंकन राजा जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके अलावा जो लेडी मैकबेथ का जो अतिथि सत्कार का जो तरीका रहता है उससे भी ज़्यादा वो हैप्पी हो जाते हैं। जो लेडी मैकबेथ है अपने जो अंदर के भावों को छिपाने में पूरी तरह से कामयाब रहती है, और बहुत अच्छा एक्टिंग करती थी कि कैसे अच्छे से चिकनी चुपड़ी बातें की जाए राजा से। राजा इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे कि उसको एक बहुत ही कीमती डायमंड गिफ्ट करता है। इस दुष्ट स्त्री के मन में जो पॉइजन भरा रहता है उसको राजा बिल्कुल भी भांप नहीं पाता, और उसके चापलूसी में वो फंस जाता है। फिर क्या होता है कि जो राजा डंकन रहते हैं वो डिनर उनर करते हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके रहते हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी सोने जाऊँगा, को कहते हैं, और अपने कमरे में वो आराम करने चले जाते हैं, और उनके साथ उनके टू बॉडीगार्ड्स भी चले जाते हैं। बॉडीगार्ड्स को डिनर के बाद लेडी मैकबेथ ने खूब सारा शराब पिला देती है। वो नशे में धुत हो जाते हैं, इतने धुत हो जाते हैं कि वो एकदम सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं, और राजा भी सो जाते हैं। फिर आधी रात हो जाती है, और आधी रात में जब सारी दुनिया सो रही थी, चोर डाकू और हिंसक जो एनिमल्स होते हैं वो बस जागते हैं। एक तरह से पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहता है, और देखने में जो रात है बहुत ही भयानक लग रही थी। जिस दिन कुछ भयानक होने वाला रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा सिन होने वाला रहता है, उस दिन जो क्या होता है, नेचर भी अपना जो रूप होता है भयानक कर लेती है। तो उस रात की कोई बात ही अलग थी, वो रात बहुत ही भयानक लग रही थी, चारों तरफ उदासी छाई थी। लेडी मैकबेथ अपने दुष्ट इरादों को कामयाब करने के लिए निकल पड़ी, और वो सारी जो विमेन होती है, जो होती है इस तरह से मर्डर करने से कांपती है, लेकिन लेडी मैकबेथ को कोई भी जरा सा भी गिल्ट नहीं था। वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा सहज रूप से तैयार हो गई थी। बस उसको तो डाउट था अपने हस्बैंड के ऊपर, उसको लगता है कि ये मेरा पूरा साथ नहीं देगा तो क्या होगा, ये सब वो सोचने लगती है। वो कहती है कि ये इसको राज्य लेने की इच्छा तो है, एम्बिशियस तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएगा। तो फिर वो कहती है मुझे ही तलवार लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस भयानक काम को करने वो निकल पड़ती है। वो डंकन के कमरे में पहुंचती है, राजा डंकन के कमरे में। वो देखती है कि राजा डंकन बहुत ही ज़्यादा सो मतलब नींद गहरी नींद में है, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी सो रहे हैं। उसने तो खूब शराब पिला दी थी उनको, एकदम बेहोश पड़े थे वो, और उनको जिनको अपने मतलब जो राजा की रक्षा करनी थी, उस राजा की रक्षा करने के तो बिल्कुल उन लोग काबिल ही नहीं थे उस समय में। फिर लेडी मैकबेथ देखती है कि जो राजा रहते हैं एकदम निर्दोष दिखते रहते हैं, एकदम सरल स्वभाव के रहते हैं, एकदम बच्चे की तरह वो सोते रहते हैं। उनके चेहरे को जब वो देखती है तो उसके में उसको अपने पिता की छवि नजर आती है। उसका जो मन एकदम कांप जाता है, बोलती है मेरी में तो मेरे पिता के जैसे दिख रहे हैं, इनको मैं कैसे मार सकती हूँ, कहती है, और वो झटके से बाहर आ जाती है उस रूम से, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं तो उनको नहीं मार सकती, क्योंकि वो उनके चेहरे पे मुझे तो अपने फादर की छवि नज़र आ रही है, ऐसा करो तुम ही जाओ, तुम ही उनको मारो, और उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो मैकबेथ जो रहते हैं वो बिल्कुल भी कन्विंस होने वाले नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि राजा और मेरे और राजा डंकन के बीच में सिर्फ राजा और प्रजा का रिलेशन नहीं है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हाल ही में मुझे उन्होंने थेन ऑफ कॉर्डर बनाया है, इतने अच्छा पद दिया, पास जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, मैं अपने स्वामी की कैसे जान ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा कृतघ्न कैसे हो सकता हूँ कि जिसने मुझे सब कुछ दिया है उसको मैं उसके बदले में उसका मर्डर कर दूँ, कहता है। और कहता है कि वो आज हमारे घर में गेस्ट हैं, और कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो कर्तव्य है वो है कि अतिथि की सारी परेशानियों को किसे उसकी रक्षा करे, ना कि खुद कटार लेके उसके पेट को फाड़ दे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, कहता है।
तो फिर आगे वो कहता है कि डंकन जो है, राजा डंकन है, बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है, जनता के लोकप्रिय राजा हैं, जनता उनसे दिलो जान से प्यार करती है। अगर इस राजा को मैं कुछ करूँगा तो क्या मुझे भगवान कभी माफ़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कहता है कि ऐसा मैं, ईश्वर भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं कभी इसमें सफल नहीं पाऊंगा। कहता है मैंने इतना सारा जो रेस्पेक्ट हासिल किया है, मैं अपनी ब्रेवरी से वो सारा कुछ मैं एक ही दिन में खो दूंगा। कहता है मैं ऐसा क्रूर काम नहीं कर सकता, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बहुत सारे तर्क देता है वो अपनी रानी को, लेकिन वो जो दुष्ट उसकी जो पत्नी रहती है वो बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार रहती है। वो तो उसको कायर कहती है, वो बोलती है कि तुम्हारा सारा प्यार ऐसा ही बोलती है, तुम कल तक तो तुम चाह रहे थे कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन अब तुम इस काम से पीछे हट रहे हो, बोलती है एक दिन तुम मेरे प्यार से भी पीछे हट जाओगे, और तुम्हारे तो जो विचार हैं अक्सर बदलते रहते हैं, तुम्हारा प्यार भी कल बदल जाएगा, और तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरा करने के लिए तुम कायरों की तरह क्यों भाग रहे हो, तुम ये धर्म अधर्म का बेकार का डायलॉग क्यों बोल रहे हो, कहता है, कहती है वो। और क्या तुम जीवन भर सर्वेंट ही बने रहना चाहते हो डंकन के, तुम कभी किंग नहीं बनना चाहते क्या, ऐसा बोलती है, तरह तरह से उलाहना देती है वो। तो मैकबेथ कहता है कि मैं कावड़ नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, एक इंसान जितना कर सकता है उतना मैं भी कर सकता हूँ, कहता है, लेकिन मेरे मन में गिल्ट है, कहता है मैं ऐसा करने से घबरा रहा हूँ, कहता है। तो लेडी मैकबेथ इतने सारे तर्क देती है, तर्क कुतर्क देती है, और कहती है कि मैं ही उसको मार देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तो तुमको तो करना पड़ेगा, तुमको अपने हार्ट को मजबूत करके ये काम को करना पड़ेगा, करके वो उसको कन्विंस करती है। फिर मैकबेथ कहता है ठीक है, और अगर इस काम में मैं अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा? फिर लेडी मैकबेथ कहती है क्यों सफल होगे, क्यों सफल नहीं होगे, तुम तो अवश्य सक्सेसफुल होगे, कहती है कि तुम एकदम हिम्मत करो और जाओ, कहती है। और राजा डंकन है वो एकदम थकान के कारण खर्राटे भर रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी बेहोश पड़े हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, कहती है। और हम जो सारा इल्ज़ाम है वो बॉडीगार्ड्स के ऊपर लगा देंगे, उनके ऊपर हम खून लगा देंगे, और इस तरह से हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, कहता है कहती है वो, और हमारे ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा, हम इस तरह से मातम मचाएंगे, इस तरह से रोएंगे राजा के मृत्यु के बाद कि लोग हमको शक ही नहीं करेंगे। फिर मैकबेथ कहता है अच्छा तुमने तो पूरा प्लान ही बना के रखा है, तुम्हारा प्लान तो बहुत ही ब्रिलियंट है, इस तरह से हम बच जाएंगे। तो फिर वो रेडी हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा, कहता है, और इस काम को करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर मैकबेथ इस भयानक काम को करने के लिए निकल पड़ता है, और उसे देखता है कि रास्ते में उसे तलवार लटकती नजर आती है हवा में, वो देखता है अरे ये तलवार कहाँ से पड़ी है, ये कि मेरी तरफ क्यों देख रही है तलवार, और देखता है कि तलवार से खून टपक रहा है, ये किसकी जान लेने वाली है, और ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही, वो हाथ से टच करने का कोशिश करता है लेकिन तलवार गायब हो जाती है। तो उसे लगता है उसे भ्रम हो रहा है, उसको इल्यूजन हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, उसको सोचता है मेरे मन में जो ये सिनफुल थॉट आ रहे हैं इसी की वजह से मुझे ये भ्रम हो रहा है, बोलता है, और कहता है कि हे पृथ्वी मेरे कदमों की आहट को नहीं सुनना, और मेरे 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 मन को मतलब इस तरह से बना देना कि मेरे जो थॉट है इसको कोई समझ ना पाए, पूरा जो आधा संसार है आज वो सो रहा है, लेकिन हम मेरे जैसा पापी पाप करने में लिप्त है, कहता है, भूत प्रेत इधर उधर घूम रहे हैं, चारों अंधेरा छा रहा है, हे रात मुझे सहायता करो, मुझे हेल्प करो, हे स्काई मेरी हेल्प करो, और ताकि मुझे इस काम में कोई गलती ना हो, इस काम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। इस तरह से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, काफ़ी नर्वस रहता है, क्योंकि वो चाह नहीं रहा था इस काम को करना, लेकिन उसको काम करना पड़ा था, मतलब किंग डंकन का मर्डर वो चाह नहीं रहा था। फिर वो क्या था कि जो एक तरह से बहुत ही ब्रेव आदमी था पहले वो, लेकिन एक तरह से उसका जो ब्रेन वॉश कर दी थी ये इसकी वाइफ ने, ब्रेन वॉश कर दिया था उसका। इस तरह कहता हुआ वो मैकबेथ जो है डंकन के कमरे में घुस जाता है, और एक ही तलवार के वार से उसको मार देता है डंकन को। अब जब वो हत्या कर रहा था, जब मर्डर कर रहा था, तो राजा के बॉडीगार्ड्स, ऐसा लगता है उसको कि जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं हंस पड़ते हैं और चिल्ला उठते हैं मर्डर मर्डर, और दोनों जाग जाते हैं, फिर वो भगवान का नाम लेते हैं, कुछ प्रेयर वगैरह करते हैं, फिर से सो जाते हैं। मैकबेथ ये सब देखते रहता है, एकदम नर्वस होने लगता है, एकदम डर से कांपने लगता है वो। फिर वो सुनता है सारी चीज़ों को, फिर वो जो बॉडीगार्ड्स कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करे,
फिर मैकबेथ कहना चाहता है कि तथास्तु, लेकिन वो कह नहीं पाता। उसके मुंह से आवाज़ें नहीं निकलती, उसके गले में बात अटक जाती है। फिर वो जाने लगता है, तभी वो एक आकाशवाणी सुनता है जो कह रहा था, आकाशवाणी, मत सो मत सो, अब मत सो, देखो मैकबेथ नींद का नाश कर रहा है। फिर एक वॉइस सुनाई देती है उसे कि मत सो करके। फिर मैकबेथ, फिर कोई वॉइस कहती है कि मैकबेथ ने जो सुख की नींद का नाश कर दिया है, अब मैकबेथ को नींद नहीं आएगी, ग्लैमिस ने नींद का नाश कर दिया है। ग्लैमिस कौन रहता है? थेना ग्लैमिस मैकबेथ पहले रहता है। इसके बाद कहता है कि थेना कॉर्डर ने, थेना कॉर्डर कभी सो नहीं पाएगा, मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा, ऐसा आकाशवाणी होता है। तो ऐसे भयानक विचारों को जब सुनता है तो डर जाता है, एकदम कांपते हुए आता है अपनी वाइफ के पास और बताता है ऐसा ऐसा हुआ है करके। और तो उसकी वाइफ जो होती है एकदम बोलती है, फालतू का तुम घबरा रहे, बोलती है तुम तो अपना काम सही कर दियो। लेकिन कहती है, तुमने ये कटार साथ में क्यों लेके आ गया? बोलते हैं, मैंने तो तुमको कहा था कि ये जो डैगर है, जो कटार है, तुमको बॉडीगार्ड्स के पास रखना है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं रखा। बोलते हैं, तुम अभी जाओ और कटार को वहाँ रख के आओ, कहती है। तो वो कहता है, नहीं, अब मैं वापस नहीं जा सकता, बोलता है। तो फिर लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ, बोलती है। और वो डंकन के खून को लेती है और उसको बॉडीगार्ड्स के चेहरे में, हाथ में सब मल देती है, और कटार को वहीं उनके पास छोड़ देती है, ताकि ऐसा लगे कि डंकन की हत्या उन्होंने ही की है, ना कि मैकबेथ ने की है। फिर उसके बाद वो वापस आ जाती है। और इस तरह से जब वापस आती है, फिर सुबह हो जाती है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन जो राजा के मंत्री रहते हैं, लैनॉक्स और मैकडफ, मैकडफ उसका बहुत ही खास वफादार सेनाध्यक्ष रहता है एक तरह से, और वो थेना फाइफ रहता है, मतलब फाइफ नाम के जगह का वो मुखिया रहता है। वो आता है, वो राजा को बहुत ज़्यादा चाहता था। वो जब वो जाता है कि अब मैं राजा को लेने आया हूँ, राजा घर जाएंगे अपने, तो जब अंदर जाता है, रूम में जाता है, तो देखता है कि वो उनका मर्डर हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो एकदम परेशान होकर सबको चिल्ला के बुलाता है, जागो जागो, घंटी बजाओ, कहता है जागो जागो, बोलता है मलकन डोनाल्बिन जागो, तुम्हारे सर्वनाश हो गए, तुम्हारे पिता का खून हो गया है, ऐसे तक चिल्लाता है। सभी लोग उस वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मैकबेथ भी आ जाता है, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ नाटक करना शुरू कर देते हैं। मैकबेथ एकदम झटके से आता है और जो बॉडीगार्ड सो रहे थे उनको वो मार देता है, और मार देता है। तो मैकडफ पूछता है, क्यों इसको उनको मार दिया? तो कहता है, अरे इन लोगों ने राजा की हत्या की, इसलिए मैं मार दिया। एक्चुअल में वो अपने पाप को छुपाना चाहता था, वो चाहता था कि वो, उसको शक था कि कहीं बॉडीगार्ड्स ने उसको मारते हुए देख ना लिया हो, तो इसलिए वो उनको मार देता है। अब वो कहता है कि बॉडीगार्ड्स ने उसको मारा है। सभी सब बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने अच्छे राजा के मरने पे सब दुख हो जाते हैं। और लेडी मैकबेथ तो ऐसा एक्टिंग करती है कि बेहोश हो जाती है, एकदम दुख के मारे बेहोश हो जाती है। वो कहती है कि, और इस तरह से पूरा मातम छा जाता है। और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ एकदम झूठ पीट रोने पीटने लगते हैं, और सभी लोग सोचते हैं कि हाँ, हो ना हो ये राजा के जो नौकर हैं, राजा के जो बॉडीगार्ड्स, उन्हीं ने इसको मारा है। लेकिन मैकडफ के मन में शक आ जाता है कि ये हो सकता है कि मैकडफ कहता है कि ये मैकबेथ नहीं मारा हो, क्योंकि बॉडीगार्ड्स क्यों मारेगा, बॉडीगार्ड्स अपने राजा को क्यों मारेगा, इस तरह से वो सोचते हैं। फिर वहाँ पर जो उनके जो बेटे रहते हैं, डंकन के बेटे रहते हैं, डोनाल्बिन और मालकन, वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर है, हमारी लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि जो आदमी हमारे हमारे पिता को मार रहा है, वो हमको भी मार सकता है। तो उन लोग वहाँ से चुपके से खिसक जाते हैं और दूसरे देश चले जाते हैं। मालकन जो रहता है वो इंग्लैंड चला जाता है, डोनाल्बिन चला जाता है आयरलैंड। इस तरह से वो निर्वासन की ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन मैकडफ है, वो नहीं जाता है, वो सिचुएशन का सामना करता है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद राजा डंकन का तो कोई हेयर रहता नहीं है, अब उसके जो बेटे हैं भाग जाए रहते हैं, और ये मैकबेथ दूर का रिलेटिव रहता है और बहुत ही विश्वास पात्र रहता है डंकन का, तो उसे ही स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है, और उसको स्कॉटलैंड की गद्दी पे बैठा दिया जाता है। इसके बाद इस तरह से क्या होता है कि चुड़ैल की जो तीसरी भविष्यवाणी है वो भी सच हो जाती है, और उन लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा पद उनको मिल गया है करके। अब ऐसे ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद उसको कुछ देर के लिए तो शांति मिलती है, लेकिन उसका जो स्पिरिट रहता है उसको शांति नहीं मिलती है। उसके मन में एक आग जलने लगती है, उसको लगता है कि इतने अच्छे आदमी को उसने मार दिया है, और ऐसा पाप किया है कि उसको
वो अपनी नज़रों से गिर जाता है और लेडी मैकबेथ भी बहुत ज़्यादा गिल्ट का शिकार हो जाती है। अब मैकबेथ का पतन शुरू हो जाता है। जिस पाप का बीज चुड़ैलों ने उसके मन में बोया था, उसके अंकुर निकल कर पूरी तरह से एक बड़ा सा लार्ज ट्री बन चुके थे, उसका फलने फूलने लगे थे। हालांकि जो मैकबेथ था स्कॉटलैंड का राजा था, लेकिन अभी भी उसको चैन नहीं था। रोज़ उसको दुख सताता था, वो कहता है मैं बेकार में ही राजा को मार डाला, कहता है। और अगर ये बात सही थी कि चुड़ैलों ने कहा था कि मैं राजा बनूंगा, तो मैं ऐसे भी राजा बन सकता था, मुझे मारने की क्या जरूरत थी, सोचता है। फिर वो आगे सोचता है कि चुड़ैलों ने कहा है कि एक दिन बैंकों के जो बच्चे हैं वो राज करेंगे, इसका मतलब मेरे राजा को मारने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कहता है कि मेरे बच्चे तो राज करेंगे नहीं। हालांकि उस समय उसके बच्चे नहीं थे, कहता है क्या ये सारा काम मैंने, सारा पाप मैंने राज बैंकों के बच्चों को राजगद्दी देने के लिए किया है, कहता है। मैं सारा कष्ट भोगूँ, मैं सारा मर्डर करूँ और राजा का अधिकारी कौन हो, उसके बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता, कहता है। कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, कहता है कि मैं बैंकों को मार डालूंगा, कहता है, और बैंकों के बच्चों को भी मार डालूंगा, कहता है वो। फिर एक और डाउट रहता है उसको कि बैंकों उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, वो उस समय भी मजबूर मौजूद रहता है जब वो चुड़ैलों से मिला रहता है। तो वो सोचता है कि बैंकों को तो पता है कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं वो किसी को बता ना दे, कहीं बता ना दे कि कैसे मैं थे ना, क्लैमिस था, फिर थैम आपका ऑर्डर हुआ, ये सारा जो चीज़ों को वो जानता था ये बता सकता है, कहता है। तो बैंकों को भी रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है करके वो निर्णय लेता है। फिर लेडी मैकबेथ को इस बात को बताता है कि हमको उसको मारना पड़ेगा। फिर अगला टारगेट उनका बैंकों और उसके बच्चे रहते हैं। फिर वो कहता है कि हम लोग एक बैंक्वेट का आयोजन करेंगे, एक भोज का आयोजन करेंगे, जहाँ सबको हम लोग इनवाइट करेंगे, बड़े बड़े नोबल्स और बैंकों सभी को इनवाइट करेंगे, और इसी बीच हम उनको मार डालेंगे, ऐसा वो प्लान करता है। तो ये जो कहानी का जो अगला हिस्सा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज अभी ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप प्लीज़ कहानी को आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी। सो थैंक यू।